बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिंदू हेल्पलाइन के बैनर तले हुतात्मा दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर का आयोजन कचहरी स्थित आईएमए हॉल में किया गया। महानगर संयोजक वरुण शर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 2 नवंबर 1990 में कार सेवा के दौरान निहत्ते राम भक्तों पर अयोध्या की धरती पर गोलियां चलाई गई थी, जिस कारण हजारों कार सेवकों को वीर गति प्राप्त हो गई थी। उन वीर की याद और इस विचार से भविष्य में किसी पीड़ित की रक्त की कमी की वजह से मृत्यु न हो सके, इसीलिए बजरंग दल प्रत्येक वर्ष महादानी श्री दधीति जी के नाम से रक्त शिविर का आयोजन करता है, जिसके तहत मुरादाबाद में बजरंग दल के 150 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया और 300 कार्यकर्ताओं ने रक्त प्रशिक्षण करवाया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नीरज सिंगल, महानगर अध्यक्ष गौरव भटनागर, विभाग सह संयोजक संजय ठाकुर, सह संयोजक रविन्द्र छाबड़ा, अनिल कठेरिया, अरविंद शर्मा, मोहित, सुनील, राम, राजपूत, दिनेश, पिंटू, नितिन, चंदन, सौरभ, शिवम एवं भारी मात्रा में बजरंग दल कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सर, क्या नाम है आपका? वरुण शर्मा, मैं बजरंग दल से महानगर संयोजक हूँ। आज बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आईएमए ब्लड बैंक कचहरी पर रक्तदान के कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को हम हर वर्ष मनाते हैं। सन 2 नवंबर 1990 में कार सेवक मुलायम सिंह सरकार द्वारा जो गोलियां चलवाई गईं, एक बहुत बड़ी दुखद घटना थी। उसको आज भी हम जिंदा रखने के लिए इस रक्तदान के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। और दूसरा मकसद हमारा ये है कि जो इस समाज में रह रहे निर्धन, असहाय एवं गरीब लोग हैं, जिन्हें रक्त नहीं मिल पाता, हम उनके लिए रक्त का आयोजन करते हैं और ज़रूरतमंद लोगों को रक्त को उपलब्ध कराते हैं। जय श्री राम।